Hello friends, my name is Subham Verma. Welcome to all in my class and today we will discuss about the glycoside. तो दोस्तों यहाँ पर हम कवर करेंगे इनकी डेफिनेशन, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके करेक्टरिस्टिक केमिकल टेस्ट के बारे में. साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे किया जा सकता है. दोस्तों बहुत ही इजी वे में हम आपको बताएंगे कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं और जितने पॉइंट हम आपको यहाँ पर बताएंगे, अगर आप एज सच इनको अपने एग्जाम कॉपी में लिख देते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं. ये आपका ऐसा टॉपिक है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स एज वेल एज बैचलर फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्लाइकोसाइड. तो ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड ऐसे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा सुगर पार्ट और दूसरा होता है नॉन सुगर पार्ट. सुगर पार्ट को हम जनरली ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं और नॉन सुगर पार्ट को ए ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं. सुगर पार्ट से आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सुगर पाई जाएगी, ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो रैमनोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो माल्टोज हो, ठीक है, ऐसी सुगर पाई जाएंगी. और जो दूसरा है हमारा नॉन सुगर पार्ट, उसको हम जनरली ए ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं, ठीक है, ए ग्लाइकॉन पार्ट या जेनिन पार्ट कहलाता है वो, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो तरह के पार्ट हमको मिलते हैं जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लाइकोसाइड की. एक होता है हमारा सुगर पार्ट और एक होता है नॉन सुगर पार्ट. नॉन सुगर पार्ट को हम ए ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सुगर नहीं है, इसलिए यहां पर हम इसको बोलते हैं ए ग्लाइकॉन, और जो सुगर होता है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकॉन. तो ए ग्लाइकॉन का एक तीसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जेनिन, ठीक है. और ये जो दोनों पार्ट होते हैं हमारे, ए ग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट, ये एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एक लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. कंफ्यूज मत होइए, ये अभी हम आपको जब आगे एग्जांपल बताएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. यहां पर आप सिर्फ इतना समझिए कि ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन को लिंक करने वाला जो बॉन्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमारा ग्लाइकोसाइड होता है उसका जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है या ए ग्लाइकॉन मॉइटी जो होती है या नॉन सुगर पार्ट जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. जब हम ग्लाइकोसाइड को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड होती है, ठीक है. जो हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट है वही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो जो हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड होता है वही फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पार्ट होता है. तो दोस्तों यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि अगर ए ग्लाइकॉन पार्ट फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है, वो अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, तो सुगर पार्ट क्या करता है, ठीक है. तो देखिए, सुगर पार्ट हमारा कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है. जो सुगर पार्ट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, ए ग्लाइकॉन पार्ट को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है. जब हम कोई भी ड्रग इनटेक करते हैं तो वो ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर साइट ऑफ एक्शन तक जब पहुंचती है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और जो सुगर मॉलिक्यूल होता है हमारा, जो ग्लाइकॉन पार्ट होता है, वो ए ग्लाइकॉन पार्ट को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो यहां पर सुगर पार्ट या ग्लाइकॉन पार्ट की भी बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब तक के वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा नहीं तब तक के ए ग्लाइकॉन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. देखिए दोस्तों, यहां पर आप केवल फोकस कीजिए इसको समझने में, ठीक है. लिखने की यहां पर आपको कोई आवश्यकता नहीं है. जितना कुछ मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको वो सब कुछ मैंने पीडीएफ में दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक को फॉलो करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम इजी वे में आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अब आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर एग्जैक्ट डेफिनेशन ग्लाइकोसाइड की क्या होगी जो कि आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है, ठीक है. तो जितना कुछ हमने बताया है ग्लाइकोसाइड के बारे में वही हमको उसकी डेफिनेशन में लिख देना है, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ग्लाइकोसाइड्स आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड सम एनिमल्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव वन आर मोर सुगर पार्ट एंड नॉन सुगर पार्ट. सुगर पार्ट इज जनरली नोन एज ग्लाइकॉन पार्ट एंड नॉन सुगर मॉइटी इज जनरली नोन एज ए ग्लाइकॉन पार्ट और जेनिन पार्ट. एंड द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी ग्लाइकोसाइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेनिन पार्ट और ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड. ओके,
तो ये हो गई डेफिनेशन आप ग्लाइकोसाइड की। अब हम बात करते हैं इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है इसका कलर। तो जितने भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इन जनरल ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। हालांकि दो यहां पर आपके एक्सेप्शन हैं, जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होता है हमारा, ये रेड और ऑरेंज कलर का पाया जाता है, ठीक है। और एक दूसरा एक्सेप्शन है जो कि है फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, ये एलोइस इन कलर पाया जाता है। बाकी के जितने भी हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड नेचर के होते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर। तो जितने भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये वाटर और एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे अदर होते हैं जैसे कि ईथर, तो उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। और अगली प्रॉपर्टी है हमारी कि जितने भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं विद द मॉलिस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि मॉलिस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं फॉर द कार्बोहाइड्रेट। और हमें पता है कि इनके अंदर जितने भी ग्लाइकोसाइड होते हैं वो शुगर कंटेन करते हैं, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये मॉलिस और फेलिंग टेस्ट दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इनकी टेस्ट से रिलेटेड कि आखिर ग्लाइकोसाइड का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो जितने भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इन जनरल सभी का टेस्ट बिटर होता है, हालांकि एक एक्सेप्शन यहां पर भी है जो कि है लिकोराइस। लिकोराइस के अंदर ग्लेसिराइजिन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है और जिसका स्वीटनर टेस्ट होता है, मतलब वो मीठा होता है। तो ये थी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोसाइड। और अब हम डिस्कस करेंगे इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इनका क्लासिफिकेशन हम कई बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और आगे आने वाले कंपटीशन जो आप फेस करेंगे उनके दृष्टिकोण से भी वो क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी बेसिस। तो ग्लाइकोसाइड के अंदर हमने बताया था आपको कि दो पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है ग्लाइकॉन और एक होता है एग्लाइकॉन, ठीक है। तो इनकी बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन पार्ट कि कौन सा शुगर पार्ट प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर उसका शुगर पार्ट ग्लूकोज है तो उसको हम ग्लूकोसाइड बोल देते हैं, अगर उसका शुगर पार्ट रैमनोज है तो वो हमारा रैमनोसाइड हो जाता है, अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोसाइड हो जाता है। तो इसके बेसिस पे हम ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन पार्ट प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसाइड, ठीक है। दूसरा हो जाता है क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसाइड, जैसे कि अगर ग्लाइकोसाइड हमारा एंथ्राक्विनोन पाया जा रहा है तो हो जाएगा हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। जैसे कि हमारा सैपोनिन है, अगर ए ग्लाइकॉन पार्ट हमारा सैपोनिन है तो हमारा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड हो जाएगा, अगर ए ग्लाइकॉन पार्ट हमारा स्टेरॉइड है तो स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड हो जाएगा, ठीक है। इनकी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ग्लाइकोसाइड को। तो ये दो हो गए, पहला हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसाइड, दूसरा हो गया ए ग्लाइकॉन प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसाइड। तीसरी बेसिस है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द ए ग्लाइकॉन पार्ट एंड ग्लाइकॉन पार्ट। देखिए हमने बताया था आपको कि ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लाइकॉन और एक होता है ए ग्लाइकॉन। तो इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है, जो लिंक पाया जाता है, जिसे हमने बताया था आपको कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम बोलते हैं, तो उनके बेसिस पे जब हम ग्लाइकोसाइड को क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये बेसिस हो जाती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। और अगली बेसिस है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी कि आखिर जो ग्लाइकोसाइड है वो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा थेरोपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों बेसिस जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से भी, और अगर आप आगे कोई कंपटीशन देते हैं फार्मेसी से रिलेटेड तो वहां पर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनके बेसिस पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द ए ग्लाइकॉन मॉइटी एंड ग्लाइकॉन मॉइटी, ओके। तो सबसे पहली बात है आप स्ट्रक्चर देखिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता कैसा है। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहां पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक ग्लाइकोसाइड में ऑक्साइड ही प्रेजेंट हो, वहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, वहां पर सल्फर भी हो सकता है, वहां पर कार्बन भी डायरेक्टली कंडेंस हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम इस क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अगर वहां पे डायरेक्टली कार्बन कंडेंस है तो वो हो जाएगा हमारा सी ग्लाइकोसाइड, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो वो हो जाएगा हमारा ओ ग्लाइकोसाइड, और अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा एस ग्लाइकोसाइड, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा एन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। इन सब के एग्जांपल हमने आपके स्लाइड पे दे दिए हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज।
अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, कि अगर हम ग्लाइकोसाइड को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली क्लास है हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसे ग्लाइकोसाइड जो हार्ट पे अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है, जो हमारे कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसके एग्जांपल्स हैं आपके डिजिटेलिस, स्ट्रोपेंथस, ठीक है, ये कार्डियक स्टिमुलेट होते हैं हमारे। जितने भी ग्लाइकोसाइड हमारे कार्डियक एक्टिविटी देंगे ये सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत रखे जाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा बिटर ग्लाइकोसाइड एंड हेपेटोप्रोटेक्टिव, ऐसे ग्लाइकोसाइड जो बिटर टॉनिक की तरह यूज किए जाते हैं और हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, हेपेटोप्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं, वो हमारे होते हैं बिटर ग्लाइकोसाइड एंड हेपेटोप्रोटेक्टिव, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके जिनसेन, पिकोराइजा, चिरेता, ठीक है, ये सब हमारे बिटर टॉनिक होते हैं। तीसरी क्लास है हमारी लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव ग्लाइकोसाइड, ऐसे ग्लाइकोसाइड जो कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं, जिनका इफेक्ट लैक्सेटिव होता है, पर्गेटिव एक्शन होती है, ठीक है, ये सारे एक क्लास में रखे जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है आपका सेना, कैस्करा, रूबार्ब, एलॉय। अगली क्लास है हमारी एक्सपेक्टोरेंट ग्लाइकोसाइड, ऐसे ग्लाइकोसाइड जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से कफ को एक्सपेल आउट करते हैं, जो एक्सेसिव म्यूकस है उसको एक्सपेल आउट करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सपेक्टोरेंट। जैसे कि लिकोराइस, वाइल्ड चेरी बार्क एंड स्क्विल, ये सारे हमारे होते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अगला है हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ऐसे ग्लाइकोसाइड जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर ग्लाइकोसाइड। इसके एग्जाम्पल है आपके जिनसेंग एंड पिकोराइजा। तो ये था आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। और फाइनली अब हम बात करेंगे इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, कि आखिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। दोस्तों यहां पर हम केवल आपको नेम इनलिस्ट करवा दे रहे हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिनमें सारी डिटेल्स होंगी ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट वो आप लिख देंगे इनके अंतर्गत जो आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं, जैसे कि मॉलिस टेस्ट, जैसे कि फेलिंग टेस्ट, ठीक है। आप सारे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी ग्लाइकोसाइड होते हैं वो शुगर कंटेन करेंगे, और शुगर है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं, कि जो हमारे एक ग्लाइकोन पार्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने वाले कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन ट्रैगर टेस्ट। तो ये ऐसे एक ग्लाइकोन पार्ट होंगे जो एंथ्राक्विनोन को कंटेन करते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम बॉन ट्रैगर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगला टेस्ट है आपका बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, जो किलर किलानी टेस्ट होता है हमारा, ये डीऑक्सी शुगर जो होती है उनके अंदर उसको डिटेक्ट करता है। अदर टेस्ट है हमारे लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने वाले केमिकल टेस्ट। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको यहां पर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके हर एक डाउट को क्लियर करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।